हमने आर शेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब हमारे पास अब जो ऑब्जेक्ट को, चाहे वो यहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पर पड़ी हुई है, या आप जहाँ भी लेके जा रहे हैं उसको, उस पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जो कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होती है। एफ जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है। जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है जिसको आप यहाँ इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, आर जो है उसका डिस्टेंस है। यहाँ पर आर स्क्वायर की हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, आर वन आर टू, ये है हमारे पास एफ जी की वैल्यू। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था इट इज द वर्क डन, तो हम यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। जब आप इस पॉइंट से उसे जहां भी लेकर जाए, वर्क तो कुछ ना कुछ होगा, तो हम कहते हैं वर्क डन फ्रॉम पॉइंट वन टू टू, हमने कैलकुलेट करना है पॉइंट वन से लेके उसे टू तक लेके जाने के लिए जो हमने वर्क कैलकुलेट करते हैं। पहले वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। पॉइंट वन से लेके टू तक जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, डिस्टेंस कितना है जो कि डेल्टा आर है, यहाँ पर एफ की बजाय हम एफ जी लिखेंगे, डी के बजाय हम डेल्टा आर लिखेंगे, और एंगल देख लेते हैं कि एंगल कौन सा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स किस तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल तो नहीं है, यानी कि ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल के लिए एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, तो कॉस 180 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। एफ जी की वैल्यू लिख लेते हैं, जी एम एम ओवर आर वन आर टू। डेल्टा आर की वैल्यू क्या है? डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, यानी कि यहाँ पर आर टू माइनस आर वन लिख लें। कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस वन, माइनस को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, माइनस जी एम एम, और जो आर वन आर टू डिवाइड हो रहा है हम इसको दोनों वैल्यू से सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, आर टू ओवर आर वन आर टू माइनस आर वन आर वन आर टू। यहाँ पर कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, जैसा कि यहाँ पर आर टू से कैंसिल हो रहा है, इसी तरह आर वन से कैंसिल हो रहा है, बाकी क्या बच जाता है हमारे पास, माइनस जी एम एम वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू। ये किसकी वैल्यू है, हमने क्या कैलकुलेट किया है, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट वन टू टू। जब हम पॉइंट वन से लेकर पॉइंट टू तक मूव करेंगे, पॉइंट वन से लेकर पॉइंट टू तक मूव करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है वर्क डन का। इसमें यहाँ पर एक हिंट है कि वन से टू मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर वन पहले आएगा और आर टू बाद में आएगा। इसी तरह अगर आपने वर्क डन पॉइंट वन पे थे, आप टू पे पहुँच गए, अब टू से आप थ्री पे जाएंगे, थ्री से फोर पे, अब हमने वर्क कैलकुलेट करना है पॉइंट नंबर टू से लेकर थ्री तक। वन से टू तक का ये फार्मूला था, टू से थ्री तक का फार्मूला कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वन और टू लिखा था, तो अब हम क्या लिखेंगे, टू और थ्री।
माइनस जी एम एम वन ओवर आर टू माइनस वन ओवर आर थ्री। अब नेक्स्ट हम वर्क कैलकुलेट करेंगे वर्क नंबर थ्री से लेकर फोर तक का, उसका भी सेम ऐसे ही फार्मूला, माइनस जी एम एम कहाँ से कहाँ तक का वर्क कैलकुलेट करना है, थ्री से फोर तक का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन ओवर आर थ्री माइनस वन ओवर आर फोर। अब स्टूडेंट्स तीन वर्क तो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, ये अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएंगे, पॉइंट एन तक। अब पॉइंट एन से पहले का जो पॉइंट होगा उसे कहेंगे हम एन माइनस वन। तो पहले वर्क डन एन माइनस वन से लेके कहाँ तक, एन तक का डिस्टेंस क्या, वर्क क्या आएगा हमारे पास, माइनस जी एम एम, पहला पॉइंट कौन सा है, एन माइनस वन, तो वन ओवर आर एन माइनस वन, माइनस दूसरा पॉइंट कौन सा है, एन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वन ओवर आर एन। स्टूडेंट्स अब यहाँ तक हमने क्या किया है, वन से लेके एन तक जाना था, पहले हम वन से टू तक गए उसका वर्क कैलकुलेट कर लिया, देन हम टू से थ्री तक गए उसका वर्क आ गया, थ्री से फोर तक गए उसका वर्क आ गया, अप टू सो ऑन कहाँ तक, एन माइनस वन से लेके एन तक। अब ये तो सेपरेट वर्क्स हमने कैलकुलेट किए, टोटल वर्क किसके बराबर होगा, हम इन सारी वर्क्स को ऐड कर देंगे, और आपने ये वाली वैल्यू, ये वाली और इन सब वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। अब हमने क्या करना है, टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क किसके बराबर होगा, वन से टू तक जितना वर्क हुआ, टू से थ्री तक जितना वर्क हुआ, थ्री से फोर तक वर्क हुआ, अप टू सो ऑन लास्ट पॉइंट तक वर्क जितना भी आपने किया, हमने इसकी सेपरेट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली थी, अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। वन से टू तक की वैल्यू लिखते हैं, अब हम क्या है यहाँ पर, माइनस जी एम एम आर वन माइनस वन ओवर आर टू प्लस, टू से थ्री तक कितना वर्क हुआ था, जी एम एम आर टू माइनस आर थ्री प्लस, अप टू एन माइनस वन तक जितना वर्क हुआ था हमारे पास, माइनस जी एम एम इन सब की वर्क की जो वैल्यूज कैलकुलेट की थी इन सबको हमने ऐड कर दिया। यहां पर एक चीज सब में ही कॉमन आ रही है, वो क्या है, माइनस जी एम एम, इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे, माइनस जी एम एम और बाकी वैल्यूज को एज इट इज पुट कर देंगे, वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू, ये तो ये वाली वैल्यू होगी, प्लस वन ओवर आर टू माइनस वन ओवर आर थ्री प्लस वन ओवर आर एन माइनस वन ओवर आर एन। अब यहाँ पर आर टू जो है ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल होती है, अगर यहाँ पर माइनस वन ओवर आर टू था तो आगे प्लस वन ओवर आर टू पड़ा हुआ है, इसी तरह माइनस वन ओवर आर थ्री यहाँ पर है तो आगे वन ओवर आर थ्री माइनस वन ओवर आर फोर ही तो था, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, इसी तरह माइनस वन बाय फोर आगे प्लस वन बाय फोर से कैंसिल हो जाएगा। अब एक और चीज़, यहाँ पर अगर प्लस वन ओवर आर एन माइनस वन है तो इससे पहले माइनस वन ओवर आर एन माइनस वन भी पड़ा होगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा,
इस इक्वेशन में से जो हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1/r1 ये वाली वैल्यू और 1/rn बचेगी, बाकी सब वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी। इसको प्रूव करने के लिए आप बेशक सारी वैल्यूज पुट करके देख लें, ये हर सूरत में कैंसिल ही हो जाएंगे। बाकी क्या रह गया हमारे पास, माइनस जी एम एम 1/r1 माइनस 1/rn, ये हमारे पास क्या है, टोटल वर्क की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब स्टूडेंट्स ये जो आर एन है, एन जो है एन पॉइंट लाइज एट इंफिनिटी, इसका क्या मतलब है कि आप पॉइंट वन से चले थे, आपने एन तक जाना था, एन जो है वो इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो क्या हम एन को इंफिनिटी पुट कर देते हैं, आर एन जो हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी डिस्टेंस। डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू माइनस जी एम एम 1/r1 माइनस 1/इन्फिनिटी। जब भी 1/इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है जीरो, यानी कि क्या बचा, माइनस जी एम एम 1/r1 माइनस जीरो डब्ल्यू, यानी कि हमारे पास टोटल वर्क का आंसर आ गया माइनस जी एम एम ओवर सिर्फ और सिर्फ r1। यानी कि अगर हमने किसी भी पॉइंट से मूव करना है एंड पॉइंट तक, तो वहां से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास यहां आ जाता है, तो यहां पर हम इन जनरल फॉर्म लिख दें, ये कौन सा वर्क था, पॉइंट वन से आप मूव किए थे, पॉइंट वन से कहाँ तक, एन तक। अगर मैं कहूँ कि आपने पॉइंट टू से एन तक मूव करना है, तो यहाँ पे आर वन की बजाय आर टू आ जाएगा। अगर मैं कहूँ पॉइंट थ्री से आपने एन तक मूव करना है, तब यहाँ पे आर की जगह थ्री आ जाएगा। तो हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर, ये हमारे पास वर्क डन टोटल का फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी, इट इज द वर्क डन। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या, वर्क डन, तो वर्क डन के बराबर लिख सकते हैं हम इसको, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसका सिंबल लिखते हैं यू जी, यही तो वर्क डन है, तो यहां पे हम वर्क डन का फॉर्मूला लिख देंगे, माइनस जी एम एम ओवर आर, ये हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स अब हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला की डेरिवेशन कर ली है, जो कि इक्वल है यू जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर। यहाँ पर जो जी है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कैपिटल एम मैस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम जो है वो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है, आर जो है उस बॉडी का जमीन से डिस्टेंस है। अगर हम कहें कि बॉडी जो है सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ी हुई है, तो जो आर यहाँ पे आर डिस्टेंस है, ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आ जाएगा, आर की बजाय हम कैपिटल आर पुट कर देंगे, हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आ रहा है इसके अंदर, इसके फॉर्मूले में हम यहाँ पे कहेंगे नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, इट इज कौन से फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है अट्रैक्टिव फोर्स है। यहां पर नेगेटिव साइन सिर्फ हमें यही बता रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से,
जब भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसके एंड पे ये आपने ये वाले तीनों पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं, और ये वाला तो अक्सर ही एमसीक्यूज में आ जाता है। अगर कोई भी बॉडी, इफ अ बॉडी मूव्स अवे सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाती जाती है तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी के लेस नेगेटिव होती जा रही है। एमसीक्यू ऐसे आएगा कि इफ अ बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ देन यू जी, आपने क्या आंसर देना है, इट इंक्रीज होती है। इसके ऑपोजिट इफ अ बॉडी मूव्स टूवर्ड्स, अगर वो ऊपर से अर्थ की तरफ आ रही है तो उसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी कि मोर नेगेटिव होती जाएगी। मोर नेगेटिव होने का मतलब है जितनी वैल्यू के साथ माइनस आता जाएगा तो हम कहेंगे कि ये मजीद नेगेटिव वैल्यू बनती जा रही है। तीसरी बात, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी में पहुँच कर ज़ीरो होती है। ये आपने तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, देन डायग्राम बनानी है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, फिर आर वन आर टू डेल्टा आर, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और सारी डेरिवेशन कर देनी है। डेरिवेशन करने के बाद आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। दूसरी बात, आपने लिखनी है ये वाला पॉइंट, देन आपने ये तीन पॉइंट्स लिख देने हैं। इस तरह आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। मैं दोबारा कह रही हूँ, ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में अक्सर ही रिपीट होता है।